हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरागी। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सभी लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग टर्म आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर आप लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं सुना है तो आप लोगों ने क्लाउड स्टोरेज तो सुना ही होगा, और आप लोग इसका यूज़ भी कर रहे हैं। आप लोग इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं और कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये भी मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा। और मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और इसके जरिए हम हार्डवेयर की डिपेंडेंसी कैसे खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए, और मैं आप सभी लोगों को पूरा का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक सी इमेज बनाई है, जिसकी हेल्प से मैं आप सभी लोगों को आसानी से सरल भाषा में समझा पाऊंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और ये कैसे काम करता है या फिर कैसे काम करती है। तो यहाँ पर एक बेसिक सी डेफिनेशन है, अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों के थोड़ा बहुत तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देके इसको पढ़िए। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स होस्टेड ऑन द इंटरनेट टू स्टोर मैनेज एंड प्रोसेस डेटा रादर देन ऑन अ लोकल सर्वर और अ पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पर ही देखिए जो नीचे इमेज बनी हुई है, इसकी हेल्प से अब मैं आप सभी लोगों को समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है और इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये एक सर्वर है जो कि होस्टेड है इंटरनेट पे, ठीक है, ये एक सर्वर है। उसके बाद यहाँ पर ये एक इंटरनेट का मैंने इमेज बनाई हुई है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो सकता है आपका कंप्यूटर हो, ये हो सकता है आपका टैबलेट या फिर लैपटॉप हो, और ये हो सकता है आपका मोबाइल फ़ोन हो। और आपके डिवाइस पे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपके पास ब्राउज़र्स होते हैं, कोई भी आपका ब्राउज़र हो सकता है, ठीक है। और आपके डिवाइस पे कोई भी आपका डिवाइस हो, चाहे आपका मोबाइल हो, कंप्यूटर लैपटॉप हो या फिर टैबलेट हो, आपके डिवाइस पे बहुत सारा डेटा होता है। डेटा कहने का मतलब ये है कि आपकी इमेज हो सकती हैं, आपके वीडियोज़ हो सकते हैं, फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, या कोई भी आपका किसी भी प्रकार का डेटा है अगर वो आपके कंप्यूटर पे ही सेव है। और कल के दिन मान लीजिए आपका कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो आपका जो डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आपने अपना डेटा जो है अगर किसी कंपनी के लोकल सर्वर, आप किसी कंपनी पे काम करते हैं, वहाँ पर उनका कोई लोकल सर्वर उन्होंने बनाया है, आप उस डेटा को यहाँ पर से सेव कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए कल के दिन वो लोकल सर्वर जो है वो भी ख़राब हो जाता है, तो फिर भी आपका डेटा जो है वो चला गया। लेकिन अगर आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर उस डेटा को किसी सर्वर पर जो कि होस्टेड है इंटरनेट पे, वहाँ पर स्टोर करते हैं, या फिर उस डेटा को मैनेज कर पा रहे हैं वहाँ पर, या फिर उस डेटा में कोई भी प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो वो कंप्लीट जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल के तहत आपको समझाऊं, तो आप लोगों ने गूगल का क्लाउड स्टोरेज यूज़ किया होगा। गूगल का जो क्लाउड स्टोरेज है उसका नाम है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में आप लोग क्या करते हैं, अपना जितने भी किसी भी प्रकार की फाइल है आप उसको गूगल ड्राइव पर डाल देते हैं, और अगर आप उसको मैनेज करना चाहें तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। एक फोल्डर को खाली करके दूसरे फोल्डर पर डाल सकते हैं, फाइल को दूसरे फोल्डर पर डाल सकते हैं, फोल्डर का रीनेम कर सकते हैं, तो आप अपने डेटा को जो है अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। और अगर आपको प्रोसेस करना है, जैसे मान लीजिए आपका कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, आपका उसमें रिज्यूम पड़ा हुआ है, और आप उसको इंटरनेट का यूज़ कर गूगल ड्राइव पर ही एडिट कर पा रहे हैं, मतलब डेटा का प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको ही हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये सब तो मैंने आप सभी लोगों को बताया क्लाउड स्टोरेज को एग्जांपल लेकर। क्या होगा अगर मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोग हार्डवेयर को भी एज ए सर्विस यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को भी एज ए सर्विस यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी प्लेटफॉर्म को एज ए सर्विस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को एग्जांपल के थ्रू ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसकी हेल्प से मैं आप सभी लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपका डिवाइस हो सकता है ये आपका कंप्यूटर हो सकता है ये आपका टैबलेट या फिर लैपटॉप हो सकता है ये आपका मोबाइल फ़ोन हो। आपके मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट है, और आप अपने मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट से कनेक्ट होकर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास गए, और वहाँ पर आपने उनसे बोला कि मुझे हार्डवेयर चाहिए, और आपने वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट बताई, आपने बोला कि मुझे 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए, और आपने बोला कि मुझे i3 प्रोसेसर चाहिए, और आपने बोला कि मुझे 4 GB रैम चाहिए, ठीक है। और ये जो कंपनी वाला था, जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर था, इसने क्या करा, आप लोगों के लिए जो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने मांगी थी उसके लिए एक उन्होंने क्या बनाया, उसको कंप्यूटर बना दिया, और उसकी एक्सेस आपको दे दी, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया। आप इंटरनेट का यूज़ कर फिर चाहे आप अपने किसी भी डिवाइस से एक्सेस करना चाहते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर लैपटॉप से, यहाँ पर से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इस कंप्यूटर को। आपने इनसे कहा कि मुझे इसमें विंडो 7 चाहिए, ये यहाँ पर से विंडो 7 डालकर इस कंप्यूटर में आपको दे देंगे, और आप अपने मोबाइल फ़ोन से विंडो 7 को यूज़ कर सकते हैं, i3 को यूज़ कर सकते हैं। कल के दिन हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, आपने कहा भैया मेरा i3 से काम नहीं चल रहा, मुझे दे दो i5,
तो आपको यहाँ पर से i5 जो है ये दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेपर यूज के बेस पर हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है कि जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम क्या करें, एज अ सर्विस प्रोवाइड कर दें और उसको पेपर यूज के बेस पर रखें। तो अगर आपका यहाँ पर से i3 से काम चल रहा था तो आपको यहाँ पर से i3 के लिए पे करना पड़ता, और अगर आपको यहाँ पर से i5 से काम चल रहा है तो आपका i5 के लिए आपको पे करना होगा। कल के दिन आपका यहाँ पर से 4GB से काम नहीं चल रहा, आपने कहा भैया मेरे को 8GB की रैम दे दो, तो वहाँ पर से क्या होगा, वो लोग आपको 8GB की रैम जो है वो एलोकेट कर देंगे और फिर आप यहाँ पर से अपने मोबाइल डिवाइस से उसको एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे पहले से क्या होता था, अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता था, सिर्फ हमें वो एक ही टाइम के लिए यूज़ करना होता था, तो हमें उसे क्या करना पड़ता था, परचेज करना पड़ता था। लेकिन अगर मुझे वो सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही टाइम के लिए यूज़ करना है या फिर एक महीने के लिए यूज़ करना है, दो महीने के लिए यूज़ करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनेट का यूज़ कर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास गया और उन्होंने मेरे को ये जो सॉफ्टवेयर है इसका जो लाइसेंस है वो एक दिन के लिए दे दिया। मैं क्या कर सकता हूँ, अपना काम उसको कंप्लीट कर सकता हूँ और उसके बाद वहाँ पर से मेरे को जो कॉस्ट पड़ेगी वो कम पड़ेगी। सेम यही होता है प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आपको जावा में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आप गए गूगल के पास, आपने वहाँ पर से गूगल ऐप इंजन से बोला कि भैया मुझे अपना टॉमकैट सर्वर दे दो और मेरे को वहाँ पर से कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है। आपको लगता है कि आप उस एप्लीकेशन को एक महीने में कंप्लीट कर देंगे, तो आपने वहाँ पर से एक महीने के लिए उससे क्या करा, सब्सक्रिप्शन लिया और उसके लिए आपको एक ही महीने के लिए पे करना पड़ेगा। और अगर कल के दिन हो सकता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक महीने में कंप्लीट नहीं हो रहा, आपने उससे कहा कि भैया मेरे को दो महीने के लिए दे दो, तो आपको क्या करना होगा, उस प्लेटफॉर्म के लिए आपको सिर्फ दो महीने के लिए पे करना होगा, आपको उसको एक साल के लिए पे नहीं करना होगा। तो इससे क्या हो रहा है, जो भी हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे फिर चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर प्लेटफॉर्म हो, उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो रही है। तो बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर को माइग्रेट कर रही हैं ताकि उनकी जो कॉस्ट है, जो भी हार्डवेयर को खरीदने के लिए कॉस्ट लगती है, वो सारी की सारी कम हो जाए और सॉफ्टवेयर के जो भी सब्सक्रिप्शन होते हैं उसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाए। तो ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, पे पर यूज के बेस पे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर प्लेटफॉर्म हो, उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर मैं एक और बात आप सभी लोगों को बताता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से हम लोग हार्डवेयर की डिपेंडेंसी को बिल्कुल खत्म कर पा रहे हैं वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर शायद मैंने एक इसके लिए वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप सभी लोगों को वर्चुअलाइजेशन का यूज़ कर मैंने आप सभी लोगों को शायद अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे दिखाया कि कैसे आप विंडोज 7 पे अपना मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, एक वर्चुअल कंप्यूटर बना सकते हैं। वो शायद मैंने बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अगर पॉसिबल हुआ तो उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने विंडो के कंप्यूटर पे कोई भी एक वर्चुअल कंप्यूटर बना सकते हैं और उस कंप्यूटर पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़ायदा क्या है, तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा बता रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिससे आपका डेटा लॉस नहीं होगा। मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अगर आप लोगों के कंप्यूटर में आग लग जाए, खराब हो जाए, तो वहाँ पर से आपका डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी सर्वर पर स्पेस लिया हुआ है या फिर आपने यहाँ पर से कोई हार्डवेयर लिया है या फिर कोई भी आपका सॉफ्टवेयर लिया है और इसके कल के दिन यहाँ पर से ये सर्वर जो है इसमें लग जाए आग या फिर ये भूकंप आ जाए, कोई भी यहाँ पर से तहस नहस हो जाए, तो यहाँ पर से क्या होगा, ये जो सर्वर होते हैं इनके क्लस्टर बने हुए होते हैं। एक सर्वर ये है, दूसरा सेम सर्वर यही होगा, जो भी आपका डेटा होगा वो सारा का सारा यहाँ पर से इसका कॉपी होगा, इसके रेप्लिकास बने हुए होते हैं। सेम ये चीज़ यहाँ पर से इस सर्वर पे भी होगी। तो अगर कल के दिन ये ख़राब भी हो जाता है तो आपको यहाँ पर से बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा, जीरो माइग्रेशन बोलते हैं इसको, यहाँ पर से आपको यहाँ पर से शिफ्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है इस पर कर दिया जाए, हो सकता है इस पर कर दिया जाए, तो यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर से किस पे नंबर ऑफ़ यूज़र कम है वहाँ पर आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए हार्डवेयर की डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है इसमें जो हार्डवेयर था वो था 500 TB, यहाँ पर से जो इसकी इसका जो स्टोरेज था वो 500 TB था, हो सकता है इस पर वो 500 TB ना हो, उस पर ये 200 TB हो, लेकिन यहाँ पर से जो एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर से इस कंप्यूटर पर मिला था वही सेम एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर से इस कंप्यूटर में मिलेगा या फिर इस कंप्यूटर में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो हार्डवेयर की डिपेंडेंसी थी सॉफ्टवेयर से या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आपको यहाँ पर से सेम एनवायरनमेंट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आपको वही सेम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो हार्डवेयर डिपेंडेंसी जो बिल्कुल खत्म हो जाएगी वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है जिसके तहत हम लोगों को सिर्फ उतना पे करना पड़ रहा है जितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर चाहे वो हमारा हार्डवेयर हो,
हमारा सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो जिसको हम यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसको हम यूज़ कर रहे हो, हमें सिर्फ उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, हमें उससे कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा जितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उसी का पैसा देना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल जो है मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये देखिए, अगर आप लोग वेबसाइट डेवलपर हैं, आप लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं, आप लोगों को होस्टिंग चाहिए होती है, तो यहाँ पर ही देखिए मैं आप सभी लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ पर से होस्टिंग चाहिए तो यहाँ पर ही देखिए, ये आपको बता रहा है कि अगर आप लोगों को 1 GB मेमोरी चाहिए, 60 GB स्टोरेज चाहिए, 1 प्रोसेसर चाहिए, तो आप लोगों को जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 1499 एक महीने का। और यहीं पर देखिए, अगर आप लोगों को 2 GB की मेमोरी चाहिए और उसके बाद 120 GB की स्टोरेज चाहिए और 2 CPU चाहिए, तो आप लोगों को कॉस्ट पड़ेगी 2099। तो यहाँ पर से ये इनका अलग अलग प्लान होता है, हर कंपनी का अलग अलग प्लान होता है। अगर आपको गूगल ड्राइव का स्पेस बढ़ाना है तो वहाँ पर से उनका अलग प्लान है। तो यहाँ पर से कंपनी क्या कर रही है, जितना भी हम लोगों को यूज़ करना है उतना हम यहाँ पर से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड के डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन कौन से होते हैं। वैसे ये आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों से कहीं पर पूछा जा रहा है, कहीं पर एग्जाम है, आपको वहाँ पर लिखना है क्लाउड के डिप्लॉयमेंट मॉडल, तो आप वहाँ पर से लिख सकते हैं। पहला जो इसका डिप्लॉयमेंट मॉडल है वो है पब्लिक क्लाउड। 4 इसके डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं। पहला है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का मतलब यह है कि ये कहीं पर से भी एक्सेसिबल हो सकता है और किसी भी डिवाइस से, बस आप लोगों के पास इंटरनेट होना चाहिए और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं फेसबुक। फेसबुक जो है वो एक पब्लिक क्लाउड है, आप उसमें जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो यहाँ पर से कोई भी पब्लिकली उसको एक्सेस कर सकता है, अगर आपने वहाँ पर से उसकी प्राइवेसी सेटिंग को पब्लिक किया हुआ है। तो जो भी आप डेटा फेसबुक पे डाल रहे हैं वो अगर आपने पब्लिक किया तो कोई भी वहाँ पर से उसको एक्सेस कर सकता है इंटरनेट का यूज़ करके। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें डिप्लॉयमेंट मॉडल की, तो वो होता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड जो होते हैं वो इंट्रानेट पे काम करते हैं। इंट्रानेट अगर आप लोगों को पता नहीं है इंटरनेट क्या है, तो आप लोग howtohindi.in पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट और इंटरनेट पे क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये जो एक्सेसिबल होते हैं ये होते हैं इंटरनेट के थ्रू। और तीसरा यहाँ पर से जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है वो है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है और कोई सेम टाइप की कम्युनिटी इनको होल्ड कर सकती है। जैसे मान लीजिए बैंक है, तो बैंक में बहुत सारी सिक्योरिटी होती है और हर किसी को उतनी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, एक क्लाउड बना सकते हैं और उस क्लाउड पर अपना कोई भी डेटा जो है उसको शेयर कर सकते हैं। कोई भी एनवायरनमेंट बना सकते हैं, उस एनवायरनमेंट को शेयर कर सकते हैं। मतलब एक टाइप की कम्युनिटी जो है वो अपना मिलके एक क्लाउड जो है वो बना सकती है और फिर उसको एक्सेस कर सकती है। चौथा जो होता है वो होता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक क्लाउड का प्लस प्राइवेट क्लाउड का। तो यहाँ पर से इसके 4 जो हैं ये डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं और इसके जो फायदा है मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं है तो आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स और हाउ टू वीडियो और व्हाट इज वीडियो देखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।